नमस्ते। आज हम बनाएंगे छोटी वाली बैंगन सफ़ेद वाली, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बहुत ही मार्केट में ये गर्मी की सीज़न में बहुत ही ज़्यादा बिकती है, सभी बहुत पसंद करते हैं। तो भर भर कर बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये खाने में। तो जब भी आपके घर में दाल चावल बने, आप इसको भर करके बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये खाने में। तो मैं तो इसी को बनाती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। हम सबसे पहले इसको अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 पानी में, और फिर हम इस तरीके से इसमें चीरा लगाएंगे बीच में। तो हम इसको अच्छे से चीरा लगा लिया है धो करके। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने मेथी और 3 से 4 काली मिर्च, जीरा, धनिया, लाल मिर्च हमने लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा सेंक लेंगे। तो हम एक पैन में डाल लेंगे और इसको धीमी आंच में हमें सेंकना है अच्छे से, इसकी खुशबू आने लगे मसालों की। तो बहुत ही धीमी आंच में हमें सेंकना है, तेज आंच में हमें नहीं सेंकना, नहीं तो ये जल जाएगी। तो इसी तरीके से हमें धीमी आंच में इसको सेंक लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको सेंक लिया है, बहुत ही जल्दी से ये सेंक जाता है 1 से 2 मिनट में। तो यहाँ पर हमने सेंक लिया है। चलो अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मसालों का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसका मतलब ये भुन गया है। अब हम इसको निकालेंगे बाहर। यहाँ पर हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें थोड़े से कुछ मसाले यूज करेंगे। तो हमें इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है, और अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, और इसमें हम लहसुन डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो अब इन सारे मसाले को हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पीस लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे सरसों का तेल। तेल सूखा सूखा है, तो इसीलिए हम सरसों का तेल डालेंगे, ताकि मसाले जो हैं अच्छे से बैंगन में भर जाए, बिखरे ना इधर उधर। तो अब हम भरेंगे इसमें। तो इस तरीके से हमें फैला लेना है बीच में। अब बहुत ही अच्छे से हमें मसाला इसमें भर लेना है, ये देख सकते हैं। इसी तरीके से बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो ये आजकल के मौसम में बहुत ही आसानी से ये मार्केट में बिकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो मैं भी जब भी दाल चावल बनाती हूँ तो इसको ज़रूर भरती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में। तो यहाँ पर हमने इसको सारे बैंगन को इसी तरीके से भर लेंगे, अच्छे से हमें भरना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने भर लिया है, और इतना थोड़ा सा मसाला मेरा बच गया है, ये देखिए। तो हम इसको बाद में डाल देंगे उसी में। तो यहाँ पर हमने भर लिया है, देख सकते हैं। तो चलो अब हम इसको पका लेते हैं। इसको पकाने के लिए वापस से उसी पैन में हम डालेंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल से ही बनाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है सरसों के तेल में ये। तो पैन में हमने डाल दिया है। अब हम एक एक इसको अच्छे से तेल को चारों तरफ फैला लेंगे, और अब एक एक करके हम इसमें बैंगन डालेंगे। आप चाहें तो इसको तल के भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको कम तेल में भी पका सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन आपको अच्छे से पका लेना है इनको। तेल भी गर्म होना शुरू हो गया है। अब मैं सारे जो बैंगन है इसी में रख दूँगी एक साथ, और इसको हम ढक देंगे अच्छे से, पका लेंगे 102 मिनट के लिए हम पकाएंगे इसमें। फिर हम चेक करेंगे इसको, 1 से 2 मिनट हो गया है। अब हम इसको पलट देते हैं, ताकि दूसरी तरफ भी ये सिक जाए। तो इसी तरीके से हमें अलटते पलटते इसको अच्छे से पका लेना है, बहुत ही बढ़िया सा बैंगन भी पक जाए और कलर भी आ जाए इसमें।
तो यहाँ पर देखिए फिर से हम ढक देंगे और फिर से हम वो पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पक चुका है ये, बस थोड़ी सी कसर और बाकी है। तो इसको आपको बहुत ही तेज़ आंच में नहीं पकाना है, मीडियम आंच में आपको पकाना। हो सके तो आप इसको धीमी आंच में ही पकाएं ताकि जले ना और अच्छे से पक जाइए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप इस तरीके से ज़रूर बनाकर खाइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी और मैं बीच में थोड़ा सा वीडियो नहीं डाल पाई हूँ उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो बैंगन है अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने निकाल लिया है, अब हम एक प्लेट में निकाल कर दिखा दे रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से बने हैं। तो आप इनको दाल चावल में खाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आप चाहें तो इसको रोटी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है वैसे भी खाने में। आपको जैसे खाना हो आप बहुत ही आराम से इसको खा सकते हैं। इतना ज़्यादा टेस्टी बने हैं ये, आपको देखकर पता लग रहा है। तो ज़रूर से बनाएं और खिलाएं, बहुत ही पसंद आएगा सभी।